वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट 1830। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देखेंगे प्रोविजन क्या क्या किया गया था, टू आइडियोलॉजीज एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी हर 20 ईयर पे चार्टर एक्ट पास करती थी। 1830 का एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम उसे इंट्रोडक्शन। द कंपनी चार्टर वाज प्रेजेंटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट एवरी 20 ईयर फॉर रिव्यू। रिव्यू के लिए हर 20 साल पे दिया जाता। इस बार क्या हुआ था, इंग्लिश मिशनरीज जो थे उन्होंने कंटिन्यू डिमांड किया कि इंग्लिश को प्रोपगेट किया जाए इंडिया में और क्रिश्चियनिटी को। इंग्लिश में से कंटिन्यू डिमांड इट अंडर द लीडरशिप किसकी, चार्ल्स ग्रांट की, दैट प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड एजुकेशन टू बी अलाउड। थर्ड जो था वो 20 ईयर लेटर 1830 में जो था कंपनी ने इन्हें फ्री कर दिया था किसे, क्रिश्चियनिटी को, ताकि ये यहाँ पे एजुकेशन दे सके। तो इसके तीन प्रोविजंस थे, वो क्या क्या थे पहले देखते हैं। तो थ्री प्रोविजंस वेर एडेड 1830 में। पहला जो था कि यूरोपियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया टू एंटर इंडिया एंड प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी एंड एजुकेशन। पहला तो इन्हें फ्री कर दिया गया कि ये क्रिश्चियनिटी एंड एजुकेशन को प्रमोट कर सके। सेकेंड था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जितने भी टेरिटरीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेटेड हैं, यानी कि जिस पे वो राज कर रहे हैं, उन्हें एजुकेशन मस्ट है प्रोवाइड करना। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि 1,00,000 रुपये प्रोवाइड किया जाए किसे, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड इंकरेजमेंट टू द इंडियन स्कॉलर एंड टीचिंग ऑफ साइंसेस टू पीपल लिविंग इन देयर इन दोज टेरिटरी, यानी उस टेरिटरी में जितने भी लोग थे उनके लिए 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया। ये कौन करता था, तो ये क्वीन करती थी। मतलब ये है कि चार्टर जो था वो कहाँ से आता था, वो इंग्लैंड से आता था, जिसे क्वीन पास करके देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, फिर वो ये सारी चीज़ें करते थे। तो ये तीन प्रोविजंस। सो शॉर्टकमिंग्स क्या थे, तो इन्होंने सबसे पहले तो जो इंस्ट्रक्शन था, यानी कि नो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन का मीडियम होगा इन्होंने नहीं बताया। आर्टिकल 43 जो उसमें लिखा हुआ था वो भी डाउटफुल था कि जो लिटरेचर चलेगा क्या वो इंग्लिश का चलेगा, यानी वेस्टर्न चलेगा या फिर इंडियन चलेगा, इसमें भी कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद जो तीसरा था कि कुछ को लगता था कि लेटिन चलेगी या फिर इंग्लिश चलेगी, इन दोनों में भी कंफ्यूजन था। सो दो आइडियोलॉजीज जनरेट हुई, पहला ओरिएंटल, दूसरा ऑक्सीडेंटल या ऑक्सीडेंटल जो भी कहें। सो देखते हैं जो सबसे पहले ओरिएंटल क्लास था उनका क्या मानना था। तो ये ऐसी क्लास थी जो कि इंडियन को रिप्रेजेंट करती थी, यानी कि इनका ये मानना था कि जो इंडियन लिटरेचर है, कल्चर है, उससे इंट्रोड्यूस किया जाए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। सो द क्लास कंप्राइजेस सीनियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी, बाई लिटरेचर दे मीन्स द इंडियन लिटरेचर। उन्होंने क्या बताया कि इंडियन लिटरेचर को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होना चाहिए वो उनकी मदर टंग, यानी कि उन्हें इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाई करवानी चाहिए, जैसे कि संस्कृत हो गया, हिंदी हो गई या अरेबिक हो गया। उसके बाद था कि एजुकेशन जो इम्पार्टेड होना चाहिए वो कैसा, इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेज को या नॉलेज को बताया जाना चाहिए। अब उन्होंने इंग्लिश को क्यों नहीं प्रमोट किया, उसके कुछ कारण थे। वो तीन कारण क्या क्या हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन जो था हमारा, जो वैदिक सभ्यता थी, जो भी सभ्यता थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये मेन कारण था। दूसरा था कि लिटरेचर ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा ये था कि हिस्ट्री एंड कल्चर जो है हमारा, वो भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा धीरे धीरे। अब ऑक्सीडेंटल जो थे जस्ट अपोजिट थे इनके। इनमें क्या था कि ये जो थे ये मानते थे कि जो लिटरेचर होना चाहिए वो वेस्टर्न लिटरेचर होना चाहिए, शुड बी इंट्रोड्यूस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश एज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कंपलसरी एजुकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी मस्ट है इंट्रोड्यूस करना। साइंसेस को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की बात कही थी। सो अगर वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट में हम देखेंगे